नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। आज की हमारी कहानी है मन की शांति और नियंत्रण पर आधारित। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमारा मन बहुत चंचल और अशांत रहता है, कृपया हमें बताएं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन भारत का एक महल, जहां एक युवा राजकुमार चिंतित और असंतुष्ट दिखता है। किसी समय की बात है, एक राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह बहुत ही समृद्ध और संपन्न था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और अशांत रहता था। उसे अपने मन की शांति नहीं मिलती थी। एक दिन राजकुमार ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके राज्य में आए हुए हैं। राजकुमार तुरंत उनसे मिलने गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को नदी में ले जाओ और इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कोई लहर न हो। राजकुमार ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। वह नदी पर गया और कटोरे को पानी से भरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कटोरे को उठाया, उसमें लहरें आ गईं। राजकुमार ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कटोरे में लहरें आ जातीं। थक हार कर वह बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, मैं असफल हो गया। यह असंभव है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, जैसे इस कटोरे में पानी को बिना लहरों के रखना असंभव है, वैसे ही तुम्हारे मन को पूरी तरह शांत रखना भी असंभव है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश न करें। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करो। बुद्ध ने राजकुमार को ध्यान की विधि सिखाई। राजकुमार ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने समझा कि मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए हमें अपने अंदर की शांति को खोजने की आवश्यकता है। ध्यान, सद्गुणों का पालन और संयम हमें इस मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। शिष्यों ने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने भी मन की शांति प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।